नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन वो हमारी अच्छी भावनाओं को समझ नहीं पाते, जो हमेशा हमसे लड़ते रहते हैं या फिर जिनके मन में हमारे लिए हमेशा नेगेटिव भावना रहती है। अगर आप चाहते हैं उन लोगों को अपने प्रति पॉजिटिव करना, सकारात्मक बनाना, अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा हो जाए और वो लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, आपसे अच्छे से बात करें, आपको सम्मान दें, प्यार दें और साथ ही साथ आपके प्यार को भी समझें, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि देवरानी जेठानी में नहीं बनती है, कोई पुरानी बात है जिसकी वजह से उनकी अनबन चली आ रही है और वो कभी खत्म ही नहीं होती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ में भी किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार सास बहु में समस्याएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई पड़ोसी हैं जिनसे आपकी हमेशा कहा सुनी हो जाती है, बात बात में लड़ाई हो जाती है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं जिससे कि आपके जो आस पास का माहौल है वो अच्छा हो जाएगा, आपको सुख और शांति मिलेगी। आपकी जिंदगी में जो कलह हो रही है, जिसकी वजह कोई और हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करते फिर भी हमारी जिंदगी में बार बार कलह होती रहती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रही होती हैं। हमारे मन में, हमारे आस पास के माहौल में वो नकारात्मक शक्ति काम करती है, तो जरूरी है कि सबसे पहले तो उस नकारात्मक शक्ति को वहां से हटाया जाए और उसके बाद आप वहां पर जितना ज्यादा हो सके सकारात्मकता भर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक उपाय करना है जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। इस उपाय को कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है तुलसी का पौधा लेने। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में नहीं है तो आपको दुकान से, जो भी नर्सरी या जो भी आपके घर के पास में पौधों की दुकान हो, वहां से आपको तुलसी का पौधा लाना है। अगर आपको कहीं पर ऐसे ही मिल जाता है, खरीदना ना पड़े, तो भी आप ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खरीद के ही लाना है। अब आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, लेकिन याद रखें कि ये जो पौधा है ये आपके घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि किसी और की तुलसी में से दो पत्ते ले लिए, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, ये उपाय इसी तरह से करना है कि अगर घर पे आपके तुलसी है तो आप उसमें से पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप बाहर से जाकर तुलसी खरीद के लाइए और फिर उसके पत्ते आपको लेने हैं। तुलसी के पत्ते लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ बुधवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है आपके घर में तो आप इसे हर हफ्ते कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक बार करेंगे तो ही आपको लगेगा कि काफी ज्यादा फर्क आ गया है। 99% जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी एक ही बार करके, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसे 3 या 4 हफ्ते तक कर सकते हैं, पूरे महीने, मतलब हर हफ्ते आप बुधवार या शुक्रवार के दिन इसे कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले आपको क्या करना है कि तुलसी के आगे आपको अगरबत्ती या दीपक लगाना है, दीपक से आरती कर देनी है और कुछ फूल पत्तियां चढ़ा देनी है तुलसी के ऊपर, और उसके बाद आपको तुलसी को कहना है। आपको ये एक तरह का उपाय है दोस्तों, जो कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। इस उपाय में कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, इसीलिए ये बहुत आसान है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आपको तुलसी के पौधे के सामने बहुत ही ज्यादा आदर के साथ बैठना है और उनको बोलना है कि हे तुलसी माता, मेरे घर में जो कलह हो रही है उसे दूर करने में मेरी मदद करें, और उसके बाद उनके 1 या 2 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। उसके बाद जब भी आप उस व्यक्ति के सामने जाएं जो कि आपसे बहुत ज्यादा कलह करता है, झगड़ा करता है, या जिसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो आपको अपने मुंह में वो तुलसी का पत्ता रख लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक इस तरह का उपाय है जिससे कि आपके घर का माहौल तुरंत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है इस उपाय के असर में, इसका असर आपको तुरंत देखने को मिलता है।
तो आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई और सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के टाइटल में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।